बॉलीवुड में ऐसे तो बहुत से अभिनेता हैं जिनके अभिनय का लोहा पूरी दुनिया में प्रख्यात है, लेकिन उन सभी कलाकारों में आज हम एक ऐसे अभिनेता की बात करेंगे जो ना ही अपनी फिटनेस के लिए मशहूर है बल्कि उनके अभिनय के भी करोड़ों दीवाने हैं। अगर आप समझ चुके हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की, जिनका आज 50वां जन्मदिन है। अक्षय कुमार आज बॉलीवुड में एक ऐसा नाम बन चुका है जिसे सफलता की गारंटी भी बोलते हैं, लेकिन 1993 में अक्षय काफी संघर्ष के बाद सौगंध फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा। गोरे बदन से लिपटा चल, आंखों में शर्माए काजल। लेकिन उसी साल अब्बास मस्तान की खिलाड़ी ने उनकी लाइफ जैसे बदल कर रखा। फिल्म सुपरहिट रही और साथ साथ उन्हें खिलाड़ी का टैग भी दबी मिला। खुद को क्या समझती है, इतना अकड़ती है, कॉलेज में नई नई आई एक लड़की है। उसके बाद ये खिलाड़ी कब इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गया पता ही नहीं। बैक टू बैक फिल्मों के साथ अक्षय कुमार ने ये सबको यकीन दिला दिया कि वो आगे आने वाले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कोहिनूर जरूर बने। अगर एक तरफ अक्षय एक अच्छे कलाकार रहे तो दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ पर कई बातें भी कही गई, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चे उनकी लव लाइफ में। रवीना टंडन से लेकर शिल्पा शेट्टी, अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे निगाहें चुरा तो ना लोगे। प्रियंका चोपड़ा, और पूजा बत्रा। सबको उन्होंने दिए, जिसके चलते उन्हें कैसेनोवा का भी टैग मिल गया। कुछ अभिनेत्रियों ने टेलीविजन पर खुले तौर पे अक्षय पे निशाना भी साधा और इस पर बात भी करी, लेकिन इन सभी बातों पर विराम देते हुए अक्षय कुमार ने आखिरकार राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना से शादी कर, जिससे उन्हें दो बच्चे हुए जिनके नाम आरव और नितारा। अक्षय कुमार ने अब तक के कैरियर में रोमांटिक, एक्शन, कॉमेडी, देशभक्ति और सस्पेंस जोन से जुड़ी काफी सफल फिल्में की, जिससे ये बात साफ होती है कि अक्षय कुमार किसी भी रोल में ढलने की काबिलियत है। बाकी बॉलीवुड सितारों की तरह अक्षय की लाइफस्टाइल काफी अलग है। वो रात 9 बजे सोते हैं और सुबह 4 बजे उठ के व्यायाम और अपने सारे काम पूरे करते हैं। इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद की। अक्षय कुमार को पार्टीज का भी शौक नहीं है और काम से फ्री होने के बाद अपनी फैमिली के साथ ही समय बिताना पसंद करते हैं। काफी वक्त से देशभक्ति से जुड़ी फिल्में देने के बाद अक्षय कुमार अब कॉमेडी पर कमबैक कर रहे हैं, जिसमें हाउसफुल 4 और हेरा फेरी 3 शामिल है, जिसके बारे में जानने के बाद फैंस में रोमांच डल गया है। दोनों फिल्मों के अलावा अक्षय इस साल के आखिर में रजनीकांत के साथ 2.0 में नेगेटिव किरदार में दिखेंगे। हाल में आई उनकी गोल्ड ने काफी अच्छा कारोबार भी किया है। अपने 25 साल के लंबे कैरियर में अक्षय कुमार ने लगभग 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें उन्हें रुस्तम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। अक्षय फिल्मों के साथ सोशल अवेयरनेस संदेश भी देते रहते हैं। हाल में सरकार ने अक्षय कुमार को रोड सेफ्टी कैंपेन्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जिसके चलते 3 वीडियोस भी सोशल मीडिया पर है, जिसे एक सार्कास्टिक टच दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने केरला फ्लड रिलीफ के तहत काफी बड़ा अमाउंट भी डोनेट किया है। अब हम यही दुआ करेंगे कि अक्षय कुमार हमें सालों साल अपने बेहतरीन अभिनय से एंटरटेन करते रहे। हम उनके जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र और सफलता की कामना करते हैं। हम
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने सुझावों को हमें कमेंट के जरिए भेजें।